गुड मॉर्निंग क्लास। तो देखो जो हमारी प्रॉपर्टीज चल रही थी, मतलब प्रॉपर्टीज वाली थ्योरम्स की ही कॉन्टिन्यूशन है कि देखो स्टेटमेंट क्या है, इफ़ द फंक्शन एफ इज इंटीग्रेबल, ठीक है, एफ इज इंटीग्रेबल ऑन ए कॉमा बी, देन इट इज़ ऑल्सो इंटीग्रेबल ऑन ए सी एंड सी बी, वेयर सी इज अ पॉइंट ऑफ ए कॉमा बी। मीन्स अगर कोई फंक्शन इंटीग्रेबल है किसी क्लोज इंटरवल के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, उसी के बीच में से एक और पॉइंट पिक करेंगे। मतलब क्या कर रहा है, हमने क्या किया, उस इंटरवल ए कमा बी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया सी बाय द पॉइंट सी, तो ए सी एंड सी बी। अब ये दो पार्ट्स हो गए ए बी के, तो इन दोनों पार्ट्स के ऊपर भी जो फंक्शन है वो इंटीग्रेबल होगा। और जो इंटीग्रल की वैल्यू है ए टू बी, वो कैसे फाइंड करेंगे, ए टू सी प्लस सी टू बी, ठीक है, यह हमें प्रूफ करना है। और साथ में कन्वर्सली और इसका रेसिप्रोकल उल्टा भी प्रूफ करना है, क्या कि अगर इंटीग्रेबल होगा दोनों पार्ट्स वाले इंटरवल पर, तो जो दोनों को कंबाइन करके ए टू बी बनेगा वो उसके ऊपर भी इंटीग्रेबल होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ। देखो पहली चीज़ हमारे पास होती है प्रूफ करने के लिए, हम क्या करते हैं, द फर्स्ट थिंग इज़ कि हम चेक करते हैं कि फंक्शन बाउंडेड है या नहीं। पहले हम बाउंडेडनेस वाली कंडीशंस के ऊपर आते हैं ना। तो देखो जब भी एफ बाउंडेड होगा ए सी और सी बी पर, तो जो ओवरऑल एफ है उसके ऊपर तो बाउंडेड हो ही जाएगा। और अगर ओवरऑल एफ के ऊपर बाउंडेड है, तो जो उसके दो पार्ट्स बनेंगे उसके ऊपर भी तो वो बाउंडेड ही होगा ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब देखो मतलब बाउंडेड वाला पोर्शन हमें डिस्कस करने की नीड नहीं है, हमने दोनों साइड के लिए बाउंडेडनेस यहीं से कर दी। सो अब स्टार्ट करते हैं। देखो लेट एफ इज इंटीग्रेबल, पहले हमने इंटीग्रेबल लेके चले हैं ओवर द इंटरवल ए कमा बी। तो मतलब हमें क्या प्रूफ करना है कि हम अगर इसको दो पार्ट्स में ब्रेक भी कर दें इंटरवल को, कहाँ से कहाँ तक, ए टू सी एंड सी टू बी, तब भी हमारा फंक्शन उन इंटरवल्स के ऊपर इंटीग्रेबल रहेगा। सो फर्स्ट देखो हम यूज़ कर रहे हैं कि एफ इज इंटीग्रेबल ऑन ए कॉमा बी, तो अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन आएगा। अब प्रूफ करने के लिए देखो हमने क्या किया, एक पार्टीशन पिक की, नॉट पार्टीशन, रिफाइनमेंट, एक रिफाइनमेंट पिक की, पी स्टार इक्वल्स टू पी यूनियन सी। जो P पार्टीशन था उसमें एक और पॉइंट C ऐड कर दिया। देखो अगर P पार्टीशन के अंदर, मींस जो हमने ये लिए होते हैं x नॉट x वन अप टू एक्स एन, अगर n में से किसी पॉइंट में C होगा, अगर C इन्हीं में से मतलब P से ही हुआ C, तो हमारे पास क्या आएगा, P स्टार इक्वल्स टू P ही हो जाएगी, दोनों पार्टीशन सेम हो जाएंगे। और अगर नहीं है तो हमने डाल दिया, तो P स्टार, तो दैट मीन्स तब भी मतलब ये कंटेनमेंट तो है ना, तो रिफाइनमेंट तो तब भी आ रही है। तो दैट मीन्स पी स्टार हमने क्या ली, पी की रिफाइनमेंट ली। तो हमने पढ़ा था रिफाइनमेंट्स के लोअर सम्स और अपर सम के बीच में रिलेशन, तो ये जस्ट ये लिखा है। उसके बाद देखो दिस इज फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ये मैं आप लोगों को पता नहीं कितनी बार करा चुकी हूँ कि जब हमें चार टर्म्स लिखी हो इनइक्वालिटी में, तो अगर हम थर्ड माइनस सेकेंड करते हैं तो वो हमेशा लेस रहती है फोर्थ माइनस फर्स्ट के। ये मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया कि थर्ड माइनस सेकेंड इज लेस देन और इक्वल्स टू फोर्थ माइनस फर्स्ट, ठीक है। सो अपर तो ये आ गया, ठीक है, और ये क्या है, रिमेन इंटीग्रेबिलिटी के डिफाइन से लेस देन एप्सिलॉन, तो जो स्टार वाली टर्म्स थी वो भी लेस देन एप्सिलॉन आ गई, ठीक है। तो इसको हम फर्दर यूज करेंगे। अब देखो और आगे क्या किया, अब हमें दो पार्ट्स में ब्रेक करना है ना ए बी को, तो हमने क्या किया, जो ए बी इंटरवल था उसका जो पार्टीशन बनाया हुआ था हमने पी स्टार, ठीक है, जो न्यू वाला पार्टीशन है जिसमें सी बी है, क्योंकि हमें सी बी लेना है ना, तो हमने पी स्टार एक पार्टीशन पिक किया, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पी स्टार में सी तो है ना, बिकॉज हमने देखो यहाँ लिया है कि P स्टार इज इक्वल्स टू P यूनियन C, बिकॉज हमें ये कोई गारंटी नहीं थी कि P के अंदर C है, बट तो हम नहीं ले सकते थे ना C बीच में से ब्रेक करके। अभी तो हमारे पास जो पार्टीशन है दैट इज P स्टार, और इस P स्टार पार्टीशन के पास तो C है, दैट वी आर कन्फर्म, क्योंकि अगर P में नहीं भी है तब भी हमने डाल दिया, और अगर है तो फिर कोई नीड ही नहीं है।
तो हमने उसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, ए सी एंड सी बी। अगर हमें ये पता ना होता कि पी स्टार के अंदर सी है तो हम यहाँ पे ये क्लोज इंटरवल लगा के नहीं लगा सकते थे, बिकॉज दिस टेल्स अस कि सी पी वन में भी है और सी पी टू में भी है, और पी वन पी टू में तब आएगा ना जब पी स्टार में होगा। तो इसलिए पी स्टार के पॉइंट्स को मतलब हाफ ऑफ नहीं किया, बट सी तक फर्स्ट इंटरवल पी वन में रख लिया और उसके सी से आगे वाले सारे पॉइंट्स को पी टू इंटरवल में रख लिया। ठीक है, तो ये पी वन और पी टू पार्टीशन ही बन गया हमारे पास। तो फर्स्ट इंटरवल के लिए पी वन पार्टीशन बन गया और सेकेंड इंटरवल के लिए पी टू पार्टीशन बन गया। अब उसके बाद देखो हमने क्या किया, देखो तो जो ये पार्टीशन हमने ब्रेक किए दो पी स्टार में से, तो जो पी स्टार के ऊपर जो अपर सम है वो कैसे फाइंड होगा, कैसे निकलेगा? जो P1 के ऊपर अपर सम निकलेगा जो P2 के ऊपर, ऐसे ही लोअर सम P स्टार के ऊपर कैसे निकलेगा, P1 प्लस P2 करके। तो यहाँ से अगर मैं फाइंड करना चाहूँ कि अपर सम माइनस लोअर सम ओवर द पार्टीशन P स्टार क्या होगा, तो बस दोनों टर्म्स नॉट टर्म्स दोनों इक्वेशंस को माइनस कर लूँ बस, और तो कुछ नहीं करना। सो मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को माइनस कर लिया। अब ये दोनों इक्वल हैं और ये टर्म क्या थी, लेस देन एप्सिलॉन, सो दिस टर्म इज आल्सो लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, और अपर सम माइनस लोअर सम हमें पता है कि दिस इज अ पॉजिटिव नंबर, दिस इज आल्सो अपर सम माइनस लोअर सम, सो दिस इज आल्सो पॉजिटिव। दो टर्म्स को ऐड करके एप्सिलॉन से छोटा है, तो क्या वो इंडिविजुअल टर्म्स भी एप्सिलॉन से छोटी नहीं होगी? देखो जब मैं इस टर्म को इस टर्म में ऐड करती हूँ, ऐड करने के बाद भी वो एप्सिलॉन से छोटा ही है, तो इंडिविजुअली भी तो ये एप्सिलॉन से छोटे ही होंगे। सो दिस मींस अपर सम माइनस लोअर सम ओवर द पार्टीशन पी वन इज लेस देन एप्सिलॉन एंड अपर सम माइनस लोअर सम ओवर द पार्टीशन पी टू इज ऑल्सो लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो बस मैंने ये लिखा नेक्स्ट लाइन में, आप देखो ये रहा। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में ये आया हमारे पास। तो व्हाट दिस मींस, ये पार्टीशंस किसके ओवर थी, ओवर द इंटरवल ए टू सी, और ये वाली पार्टीशन थी ओवर द इंटरवल सी टू बी। तो यहाँ पे अपर सम माइनस लोअर सम ओवर द पार्टीशन ऑफ ए कॉमा सी इज लेस देन एप्सिलॉन। सो व्हाट दिस मींस कि आर फंक्शन इज इंटीग्रेबल ऑन द इंटरवल ए टू सी एंड विद द सेकेंड इनइक्वालिटी वॉट वी हैव पी टू पार्टीशन किसके ओवर था, सी से लेके बी तक, तो आर फंक्शन इज ऑल्सो इंटीग्रेबल ओवर सी टू बी। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि अगर हमारा फंक्शन ए टू बी पे इंटीग्रेबल है, तो अगर हम उसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं तो वो उसके ऊपर भी इंटीग्रेबल बनता है, बट वो दोनों क्लोज इंटरवल ही लेने हैं। अब बात करते हैं कन्वर्स पार्ट की। कन्वर्स पार्ट में हम लेके चलेंगे कि जो फंक्शन है दैट इज इंटीग्रेबल ओवर द टू इंटरवल्स, और उसको कंबाइन करके जो एक इंटरवल बनेगा ए टू बी, उसके ऊपर वो इंटीग्रेबल होगा, दैट वी आर टू प्रूव। सो देखो, सिंस द फंक्शन इज इंटीग्रेबल ऑन दिस इंटरवल एंड ऑन दिस इंटरवल, सो बाय द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी अपर सम माइनस लोअर सम शुड बी लेस देन एप्सिलॉन। तो दो पार्टीशंस मिलेंगे P1 एंड P2, हो सकता है दोनों के लिए सेम भी मिले, हो सकता है डिफरेंट भी मिले, तो मैं डिफरेंट वाला केस लेके चल रही हूँ। सो ऐसा नहीं है कि P1 P2 इक्वल नहीं हो सकते, दे कैन बी इक्वल, दे कैन बी अनइक्वल, तो हम अनइक्वल वाला केस लेके चल रहे हैं। लेस देन एप्सिलॉन की जगह पे हमने एप्सिलॉन बाय टू, एप्सिलॉन बाय टू लिखा है, दिस इज फॉर व्हाट, हमें आगे लेस देन एप्सिलॉन प्रूफ करना है, उसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो अभी जैसे मैं आपको हर थ्योरम में बताती हूँ कि आपको जब भी लिखना हो लेस देन एप्सिलॉन या समथिंग, इसको यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया करो, लेट्स कीप इट ब्लैंक, समझ लो कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, बाद में रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम वापस आकर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो हमने पी स्टार एक नया पार्टीशन लिया, ये कॉमन रिफाइनमेंटली जो मर्जी बोलो, पी वन यूनियन पी टू दोनों को कंबाइन करके बनाई, तो हमारे पास जो अपर सम माइनस लोअर सम बनेगा, मतलब जो पी स्टार के ऊपर अपर सम बनेगा वो पी वन प्लस पी टू करके बनेगा, और जो लोअर सम बनेगा वो भी पी वन प्लस पी टू करके बनेगा, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये आ गया। एंड दिस वी कंसिडर, देखो अब यहाँ पे ओवरऑल हमें एप्सिलॉन चाहिए लेस देन एप्सिलॉन, तब मैं बोलूँगी ना कि ये इंटीग्रेबल है, तो ओवरऑल एप्सिलॉन चाहिए, दो टर्म्स हैं तो एप्सिलॉन बाय टू ले लें, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एप्सिलॉन बाय टू और एप्सिलॉन बाय टू लिखा था। ठीक है, यहाँ पे देख के आपको पता लग जाएगा, तो मैंने एप्सिलॉन लिख दिया।
सो अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन आ गया। और ये पी स्टार किसकी रिफाइनमेंट थी, किसकी पार्टीशन थी, ए कॉमा बी की। तो एफ इज इंटीग्रेबल ऑन द क्लोज इंटरवल ए टू बी। ठीक है, अब हमारे पास जो चीज बची वो क्या प्रूफ करना बचा, जो इंटीग्रल हमने इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल ए टू सी एफ डी एक्स प्लस सी टू बी एफ डी एक्स। ठीक है, उसके लिए मैंने क्या किया, देखो अपर सम पी स्टार को ब्रेक कर दिया दो पार्ट्स में। ठीक है, अपर सम एक टर्म अपर सम से निकलेगी, एक टर्म लोअर सम से निकलेगी, या आप अपर सम से निकाल के उसको एक बार एफ को माइनस एफ रिप्लेस करके कर सकते हैं जैसा मैंने यहाँ किया। तो देखो अपर सम लिख लिया, अब दोनों साइड इनफीमम्स ले लिया, तो इनफीमम्स लिया तो ये आ गया। अब हमारे पास देखो इनफीमम ऑफ दिस इज ए टू बी लोअर इंटीग्रल बनेगा, और ये लोअर इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक बनेगा, पी वन कौन सी पार्टीशन थी, ए टू सी, सॉरी इनफीमम ऑफ अपर सम इज अपर इंटीग्रल नॉट लोअर इंटीग्रल, मैंने गलत बोला, सो मेक इट अ करेक्शन कि ये अपर इंटीग्रल है, ये भी अपर इंटीग्रल है, ये अपर इंटीग्रल बन गया। नॉट सेंस द फंक्शन इज इंटीग्रेबल, है ना, फंक्शन इंटीग्रेबल है तो उसका लोअर इंटीग्रल हो या अपर इंटीग्रल हो हमारे लिए तो दोनों सेम है। सो मैंने क्या किया, इसके प्लेस पे सिर्फ इंटीग्रल्स लिख दिए। सो लेट दिस बी इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, अब ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू तो प्रूफ हो गया, अब हमें लेस देन इक्वल्स टू कैसे प्रूफ करेंगे, एफ को माइनस एफ से रिप्लेस करके। ठीक है, तो जब हम माइनस एफ से रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, फिर हम क्या करेंगे थ्रू आउट माइनस को कॉमन ले लेंगे। तो जैसे ही थ्रू आउट माइनस को कॉमन लेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, सो क्या आएगा ए टू बी, सॉरी सो क्या आएगा ए टू बी एफ डी एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू ए टू सी एफ डी एक्स प्लस सी टू बी एफ डी एक्स। तो मैंने यही लिखा डायरेक्टली। सो देखो यहाँ से इसने बोला ग्रेटर होगा, यहाँ से इसने बोला लेस होगा, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू या लेस देन इक्वल्स टू, तो दैट मीन्स बाय कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर टू एंड थ्री वी गेट द इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल ए टू सी एफ डी एक्स प्लस सी टू बी एफ डी एक्स, एंड दिस कंप्लीट्स आवर प्रूफ। ठीक है, सो आज के लेक्चर में बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे वाली और प्रॉपर्टीज करेंगे और आगे वाली थ्योरम्स करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू क्लास।